संतप्त मानस शांत हो। पेज नंबर 392 392 सबसे ऊपर की दो पंक्तियां हैं जिसमें लिखा है कि आचार्य देव ने इस पंक्ति के रूप में उत्तर दिया है, इस मार्ग के प्रेता प्रणेता हम खड़े हैं ना। स्वयं को प्रणेता कहकर आचार्य श्री शिष्यों को हिम्मत दे रहे हैं। मुनि धर्म इतना महान है, इतना दुष्कर है कि यदि अंतरंग में तीन कसाई के अभाव रूप शुद्धि ना हो तो उसका पालना बहुत कठिन है। कसाई पहाड़ में ऐसा लिखा है कि या तो मुनि धर्म तीन कसाई के अभाव में पलता है या फिर तीव्र कसाय में पलता है। समुपत्तिक कसाय लिखिए उसे, क्यों कि वो जगत के जीवन से एकदम अटपटा जीवन है। यदि अंदर में उतनी शुद्धि नहीं हो, अंतरंग हृदय सामान्य ग्रस्तों ही जैसा हो और बाहर यदि वो धारण करना पड़े तो बहुत भारी पड़ता है, तो तीव्र कसाई के काम के बिना वो संभव नहीं है। वैसे भी शुभोपयोग का काल जो मुनिराजों के है, जो सत्य वितरागी मुनिराज है ना, उनका भी वो तीव्र कसाई का ही काल है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने भीतरागी संत हैं, मुनिराज हैं, जो सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आए हैं तो वो तीव्र कसाय में हैं। तीव्र कसाय के बिना छठवें गुणस्थान में आना बनता ही नहीं। ये बात सुनकर आप लोगों को भी अटपटी लग रही होगी और दुनिया तो इसे बर्दाश्त ही नहीं करेगी, लेकिन ये तो आपने पढ़ा है ना गोमटसार में, संजरन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा होदी अपमत्त गुणोत्थानो। जब संजलन और नो कसाय का मंद उदय होता है तो अप्रमत्त गुणस्थान होता है ना, मूल गाथा में है ये बात। इसका सीधा ऐसा अर्थ है कि जब उसका तीव्र उदय होता है तब छठवां गुणस्थान होता है, हुआ ना इसका अर्थ है कि मन उदय में तो, लेकिन वो तीव्र उदय संजुलन कसाय का है, क्योंकि अनंतानबंदी अप्रत्याख्याना वर्ण और प्रत्याख्याना वर्ण तो वहाँ है ही नहीं, इसलिए इनके तीव्र मंद उदय का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। और सत्ता में कदाचित तो हुए भी तो वो जो करुणानियों की प्रक्रिया है कि वे उद्वेलित होकर के अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप बदल के संतुलन रूप बदल के उदय में आकर खिड़ती रहती हैं, वो उस प्रक्रिया के अनुसार होता रहेगा। तो ये तीन कसायों के उदय रूप दशा तो वहाँ देखी नहीं जाती है। अब जो कसाय है उसी में तो मंदता और तीव्रता का भेद पड़ेगा, तो मंदता हुई तो सातवां गुणस्थान हुआ, तीव्रता हुई तो छठवां गुणस्थान हुआ, है ना। अब इसको हमें गहराई से समझना पड़ेगा कि ये चार कसायों के जो काम है ना, अनंतानबंदी के, अप्रत्याख्यान के, प्रत्याख्यान के और संजलन के, वो क्या क्या है, वो हम में भी ऐसा नहीं है कि हम जो संजलन के कसाय के उदय में जो कार्य होता है, समझिए ना, वो हमें कोई अनंतानबंदी के उदय में हो जाएगा। अनंतानबंदी का अलग होगा, अप्रत्याख्यान का अलग होगा, संजलन का अलग होगा,
वो अपने उसी हिसाब से वो काम होते हैं। इसीलिए जो जो कसाय हटती जाती है उस कसाय संबंधी वो काम भी हटते जाते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ। वैसे तो तारतम्य रूप से तो केवली भगवान जाने, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ कि आचार्य हैं, अब शिष्यों को समझा रहे हैं। कोई शिष्य लेट आ रहा है तो उसे टोक भी रहे हैं। तो ये सारे काम उनको संजुलन कसाय के तीव्र उदय में ही हो सकते हैं। यदि वो महाराज हैं ना, अब उनके परिवार के लोग होंगे, उनकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, और भी तो सब होंगे, और वे भी तो धर्मात्मा होंगे, और वे भी तो उनके प्रवचन में आते होंगे ना, आ सकते हैं ना, तो उन्हें भी टोकने का भाव नहीं आएगा है? क्या आएगा? तो सामान्य ग्रस्तों के लिए जो आएगा वो सामान्य तरीके से जो कुछ कहना होगा तो कह देंगे। जब बहुत से मुनिराजों ने अपने सोनगढ़ के विरुद्ध, जयपुर के विरुद्ध आदेश निकाले थे, वो एक युग था, इतिहास था, वो जिसमें कब लिखा जाएगा कि नहीं, तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है, आदेश निकाल दिया दे दे दिगंबर जैन नहीं। गुरुदेव के सामने जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने तो यही कहा कि हमें दिगंबर किसने बनाया था जो हमें गैर दिगंबर घोषित करे। हम तो अपने ही विचार से, अपने ही चिंतन से, अपने ही निर्णय से दिगंबर बने थे, और हम यदि दिगंबर मिटेंगे तो अपनी ही भूल से मिटेंगे। इसमें दूसरे के आदेश का क्या काम? ऐसे बनेंगे, इन्हें कौन से शास्त्र में लिखा कि वे किसी को भी दिगंबर और गैर दिगंबर घोषित कर दें? क्यों, उनके पास ये अधिकार कहाँ से है? अरहंत भगवान ने घोषित नहीं किया, सामान्य वर्णन किया गया। यदि ऐसा नहीं हो तो वो ऐसा समझ लो कि वो उसकी परिणति उस पद के योग्य नहीं है। ऐसा वर्णन सामान्य तरीके से कह सकते हैं, हैं? तो मैंने कहा था कि आचार्यों का आदेश मुनिराजों पर चलता है, समझना, गृहस्थों पर नहीं। गृहस्थों पर को तो उपदेश दिया जाता है, उस मुनि संघ में आदेश देते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वे मुनिराज उनके साथ हैं, उनके अनुशासन में हैं, उनकी प्रतिष्ठा में हैं, उन धर्म को उनने उन्हें दीक्षा दी है, इसलिए वो ठीक लाइन पर रहें, ऐसा विकल्प उन्हें हो सकता है। सारे जगत का नहीं हो सकता। सारे जगत का तो यही हो सकता है कि सारा जगत तत्व ज्ञान को प्राप्त करे। तीन मिथ्यात्व के बस होकर ये जीव अनंत दुखी है, ये जीव मिथ्यात्व छोड़ें, सन्मार्ग पर लगें, तो सामान्य उपदेश हो सकता है, ये आदेश नहीं हो सकता है। क्या ये अध्ययनों में ऐसा होता है? राजाओं को आदेश देते हैं संत, संत उनके गुरु महाराज हैं, फिर उनके माध्यम से उन्होंने क्या क्या किया से तो मालूम है। इनको नष्ट कर दो, इनके मंदिर तोड़ दो, इनकी मस्जिद तोड़ दो, जो भी समझ लो, वो ऐसे ही काम होते हैं। फिर क्योंकि वो समझते हैं मेरे हाथ में सब कुछ सत्ता है, मैं ये सब मालूम है, ये सब कर देंगे। उनको ये विकल्प आना ही नहीं चाहिए किसी को आदेश देने का। आप समझ रहे हैं क्या? जैसे आहार दान की विधि का उपदेश दे सकते हैं, आदेश तो नहीं दे सकते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो पर्टिकुलर चीज के लिए। तो आचार्य श्री के जो शिष्य वहां रहे होंगे और जो जिनके लिए वो कह रहे हैं ना कि तुम मुनि दीक्षा धारण करो, पढ़े जदु सामान्यम,
तुम सामान्य को धारण करो, तो उनके लिए एक तरीके से ये आदेश नहीं आश्वासन है कि भाई कोई बात होगी तो हम बताएंगे, लेकिन वो ऐसा ही है कि कोई छोटी मोटी बात होगी तो बाकी 99% तो आपको अपनी बात समझना चाहिए और आप उसके काबिल हों तो ही आपको दीक्षा लेना चाहिए। कि आप तो कह रहे धारण करो, उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा, है ना? जब सेना में भर्ती होती है ना, आपको आप इतिहास में पढ़ेंगे कि जब ये हिटलर था जर्मनी का, कोई सारे विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा, तो अंग्रेज लोगों का राज्य था हिंदुस्तान में, तो अंग्रेज लोग उसके एक प्रमुख पार्टी में से थे। हिटलर के विरुद्ध जो पार्टियां थीं उसमें ब्रिटेन अमेरिका ये सब शामिल थे। तो हिंदुस्तान के से अभी उन्हें सैनिकों की ज़रूरत है। तो ये अमेरिका इंग्लैंड ये क्या करते हैं कि अपने देश का नागरिक ना मर जाए, यदि कहीं युद्ध में भेजे और उनके 5 सैनिक मर गए तो उसका बहुत दुख मन, तुम्हारे 1000 मर जाए तो उन्हें कुछ नहीं। वे ऐसे नालायक होते हैं कि वे ये भी सोच सकते हैं कि मैं चाहूँ तो 10 के अंदर मैं पूरे अफगानिस्तान को साफ कर सकता हूँ, विश्व के नक्शे से गायब ही कर सकता हूँ कि कहीं कुछ ना कुछ था, लेकिन मैं 10,00,000 लोगों को मारना नहीं चाहता। यानी मेरी सत्ता ये है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, उड़ा दूंगा, बम फेंक दूंगा, मर जाएंगे, है? क्या कह रहे हैं उसे पता ही नहीं है क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहे हैं। तो जो मुनिराज हैं उनके आता मुन्ने महा तो साधु जी गुस्सा हो गए तो उन्होंने ऐसा शराब दे दिया तो वहाँ पर बीमारी फैल गई और फलाना हो गया और ये हो गया। जैनियों में तो ऐसा रंजमात्र भी होता नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं कि तुम इसके योग्य हो, पूरी तरह समझ गए हो, तो फिर कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए हम खड़े हैं। वो तो मैंने आपको सुनाया है कई दफ़े कि शिष्य ने गुरु जी से कहा कि मुझे भी कविता लिखना सिखा दो, तो उन्होंने कहा उसमें क्या है, कहीं कुछ नहीं आए तो चा लिख देना, फिर कुछ नहीं आए तो खलू लिख देना, ही लिख देना और बई लिख देना। तो ये भर्ती के शब्द हैं, कहीं एक अक्षर कम पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, और वो संदिग्ध सीट नहीं बैठ रहा है, तो ये भर्ती के शब्द बहुत लगाए जाते हैं। ये दीवार बनाते हैं ना ये कारीगर, तो चनखादी ईंट वगैरह सब लगाते हैं, लेकिन वो उनके बीच बीच में किनाच छोटे छोटे पत्थरों की वो तो किनाचें लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो वो गिर जाए तो उसे टिकाने के लिए। तो उस किनाचों से दीवार नहीं बनती, दीवार तो उन बड़े बड़े पत्थरों से ही बनती है, किनाच तो उनकी सहयोगी हैं। ऐसे ही कविता इससे नहीं बनती है, ये तो बीच बीच में ज़रूरत हो तो लगा दिए जाते हैं। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि जिन्हें ही निर्दिष्ठम भरदा खली शब्द दर्शी ही, ये भी कई जगह भर्ती के शब्दों में आते हैं। कई जगह बहुत मार्मिक बात होती है तो वो उसके लिए भी कहते हैं कि देखो भाई ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की कही हुई बात है, उसका वो भी गंभीरता से महत्व होता है। और हर दूसरी लाइन में हर तीसरी लाइन में हैं जिन्हें ही निर्दिष्टम भरता खली शब्द दर्शी ही, ये तो 3 लाइन की हमें जो बात कहने थी कह दी, अब चौथा पाद पूर्ति के लिए कुछ नहीं है, तो जिन्हें ही निर्दिष्टम लिख दो, समझ गए ना ऐसा ऐसा करके। तो ऐसे ही वो मुनिराजों को कह रहे हैं हम खड़े हैं पीछे, 24 घंटा भी किसी के पीछे नहीं खड़े हैं कि उसकी देखेंगे कि वो क्या क्या गलती कर रहा है। मुनिराजों में तो ये नियम है कि आचार्य महाराज किसी को देखने नहीं जाते कि तू क्या गलती कर रहा है, हम स्वयं अपनी गलती हमारे ख्याल में तो आती ही है ना,
तो हम जा करके आचार्य श्री से निवेदन करें, उन्हें जब समय हो तब हाथ जोड़ कर कि आज मेरे से ऐसी गलती हुई है, तो वे उसका दंड देवे नहीं, उसका प्रायश्चित देवे। प्रायश्चित दंड में क्या फर्क है? ये जो गलती तुमसे हुई है इसको शुद्ध करने का उपाय प्रायश्चित विधि ये है, वो विधि बता। जैसे मैंने एक दफे कहा था कि एक शिष्य आए और उन्होंने कहा मुझे प्रवचन में नींद आ गई, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे इसका प्रायश्चित दो, क्या करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें नींद आ गई तो 3 दिन के उपवास करो, 3 दिन आहार को मिले। फिर दूसरा शिष्य आया तो उन्होंने कहा मुझे प्रवचन में नींद आ गई, वो चाहता तो जो उसे दिया था वही दंड वो ले लेता। कि नहीं बोलो आचार्य श्री से सीधा कहा, आचार्य ने कहा तुम्हें नींद आ गई, हाँ तो अब 3 दिन तक तुम उपवास नहीं करोगे। इसका नियम क्या मतलब? एक ही अपराध और दंड दो प्रधान के, इसमें से ये निकलता है कि ये दंड नहीं है, क्योंकि दंड तो एक से ही होगा लेकिन प्रायश्चित है। प्रायश्चित है माने वो जो पहले आया था ना वो जवान था एकदम मस्त, उसके जोश में खा रहा ना, जम के खाना खा लेता था और फिर प्रवचन में बैठता था तो नींद आती थी। तो कहा कि थोड़ा सा इनका जोश ठंडा हो जाए, जैसे जवानी थोड़ी उतर जाए, क्या इसके लिए उसे 3 दिन का उपवास कराया था। तो वो जो दूसरा आया था वो वृद्ध था, उपवास कर लेता था तो कमर में दर्द हो जाता था, बैठता था तो नींद आने लगती थी, तो उसे कमजोरी के कारण नींद आती थी, और फिर तो उपवास ज्यादा करता था। तो उनने कहा कि अब 3 दिन तक तुम उपवास नहीं करोगे तो तुम्हें कमजोरी नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी। तो नींद नहीं आने की उनने विधि बताई, उसका नाम है प्रायश्चित। वो गलती होने से उसका नाम प्रायश्चित दिया, विधि बताई, दंड नहीं दिया। दंड होता तो फिर वो एक सा होता सबको, हैं समझे ना? प्रायश्चित तो वो ये कहते कि हम खड़े हैं तो फिर वे 24 घंटा इसी के लिए खड़े रहे तो फिर हो गया उनका कल्याण। देखो वैसे ही विचारों के लिए प्रतिबंध है कि आचार्य पद पर जब तक रहेंगे, उपाध्याय पद पर जब तक रहेंगे तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, सीधा अर्थ छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। शास्त्र ने कहा उन्हें मोक्ष नहीं होगा, हमने और आपको नीचे उतार के लाया हूँ, क्योंकि जो अरहंत हो जाएंगे वे मोक्ष तो जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा अभी तो मोक्ष जाना ही है, जो छपक श्रेणी चलेंगे भी तो केवल ज्ञान हो गई, तो यहीं से लगेगा ना प्रतिबंध। मैंने छपक ही श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, मैंने 7वें गुणस्थान तक जाएंगे लेकिन वो छपक श्रेणी का आरोहण नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बोझा माथे पर रखकर ऐसा ध्यान नहीं किया जा सकता है कि केवल ज्ञान हो। तो आचार्य बनने की इतनी बड़ी सजा तो वे पहले ही भोग रहे, जिन्हें आचार्य बनने में बहुत कौतूहल है, बहुत इच्छा है कि एकदम सब बन जाए आचार्य, में दीक्षा लेते ही आचार्य बन जाऊं, उनको ये बात बहुत गंभीरता से विचार करने की है कि तुम सारी दुनिया के काम छोड़ के अभी जैसे हमारे विद्यालय में है तो शांति जी हैं, हम लोग हैं तो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो करते हैं, दिन चंद वगैरह आप देखने जाते होंगे क्या गलती की क्या गए, हम कदाते नहीं भी गए हैं तो भी हमें दिखता है कि आज लेट आ रहे हैं यहाँ, तो हम तुमको प्रायश्चित देते हैं ना, क्या क्या देते हैं, ये नहीं कहते खड़े रहो अपनी सीट पर, ये कहते एक दफे और पाठ करो, क्योंकि तुम पाठ में नहीं आए तो एक दफे और पाठ करो, है ना,
तो ये प्रायश्चित ही हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? इस प्रायश्चित से आपको लाभ होगा, उस लाभ से आप वंचित रहे, हम जो उस लाभ उसके द्वारा उसे लाभ आपको दे रहे हैं, है ना? लेकिन तुम कहो 24 घंटे हम तुम्हारे पीछे लगना बैठ जाए तो ये संभव नहीं है। हमारे पास आपके माँ बाप आते हैं, मिलते हैं बहुत प्रेम से, और सब आपका नाम बताते हैं कि हमारा लड़का आपके यहाँ पढ़ता है। हम पूछते हैं कौन सी ईयर में है, यहाँ पूछा 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, इसमें हो गए, तो कहता है ज़रा जैसे ही बदमाश है, ज़रा अच्छा है, आलसी है, थोड़ा आप ध्यान रखना। सब कहते हैं, क्या कहे, क्या जवाब दें, बोलो शांति जी हो साहू वाहू करने की कोशिश करते हैं, हम तो जानते ही नहीं। हम तो जानते ही नहीं हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि वो लड़का कौन है, क्या है, कैसा है, और हम उसका सचमुच पर्सनली तो कोई ध्यान हम किसी का रखते नहीं सकते, समझ आए ना? पर्सनल ध्यान रखने के लिए मान लो पहले शांति जी हैं, देवी कितने का रख पाएंगे, तो अपने क्या नाम उनका जिनचंद हैं, और जिनचंद के बाद और हैं दो एक, उनके नाम में पूरी तरह से याद नहीं रहते मेरे को, हैं सोचता हूँ कि याद रहे मेरे को, लेकिन भगवान के याद में रख करके उनके याद रखूँ क्या दम है, ऐसे ही काम चला लेता हूँ ना। कि भाई आपके दो और सहयोगी हैं, हैं वो आप तक पहुँचेंगे, मेरे कहने का मतलब इन आचार्यों में भी ऐसा होता है, आगे आएगा कोई मेरे आपका आचार्य होते हैं, कुछ अलग अलग ऐसे आचार्य कई तरह के होते हैं, जो काम उनको वो देखने का रहता है। जो बड़े आचार्य महाराजा कंपनाचार्य थे, वो 700 मुनि थे, तो अपन तो 200 में क्या हालत हो जाती है, तो 700 में क्या होता होगा, भले ही मुनि हो कोई हो, जो कमियाँ जो है वो तो सब एक से ही होते हैं, मानव जाति में जो कमजोरियाँ हैं वो तो सब में एक सी ही होती हैं, है ना? देखो इसमें जो मेरी टिप्पणी लिखी है वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं बोल मुँह से तो बोल भी दिया कई दफ़े, लेकिन कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ बोलता हूँ कुछ छूट जाता है। हमें ये शब्द सुनकर ऐसा लग सकता है कि अभिमान से भरे शब्द हैं, किंतु ये अभिमान से भरे हुए शब्द न होकर आत्मविश्वास से भरे हुए शब्द हैं, अर्थात शिष्यों में आत्मविश्वास भरने वाले शब्द हैं। अपने एक 9-10 महीने का बच्चा होता है घर में, अब वो खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा नहीं हो सकता, है ना? चलने की कोशिश करता है, 2 कदम रखता है, वो गिर जाता है, तो अपन क्या करते हैं? हाँ नहीं नहीं हो, कोशिश कर कोशिश कर, तो वो डरता है कि मैं गिर जाऊँगा, फिर नहीं नहीं हम हैं हम हैं हम खड़े हैं, देख ऐसे हाथ लगाते लगाते हैं, लेकिन उसे सहारा देते नहीं, दूर दूर ही खड़े रहते हैं, लेकिन उसे समझ में आ गया हाँ मेरा संरक्षक कोई खड़ा है, तो वो करता है कोशिश। तो ऐसे उन मनराजों की बात है जो अभी नए नए उस बालक जैसे हैं, वो तो खड़ा होना सीख रहे हैं, उनको इसकी ज़रूरत है क्या कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? यह वह पंक्ति है जिस पंक्ति को पढ़ने के बाद गुरुदेव श्री उछल पड़े थे, वे इन शब्दों पर इतने रींझ गए थे, इतने भाव विह्वल हो गए थे, मानो अमृतचंद्राचार्य साक्षात ही उनसे यह कह रहे हों कि तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं ना, क्यों चिंता करते हो? वे तो साधु नहीं थे, तो उनने ऐसा क्यों महसूस किया? देखो वे जिस संप्रदाय से छोड़ करके यहाँ आए थे, उस संप्रदाय के बारे में उनके क्या विचार थे, वो विचार तो कई जगह दफे उनके प्रवचनों में प्रकट होते रहते हैं, उन्हें बताने की ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं समझता। लेकिन जब जिस धर्म को उनने स्वीकार किया था, दिगंबर धर्म को, और वहाँ से साधु थे ना, और यहाँ आगे उन्होंने स्वीकार किया, तो घोषणा तो कर दी कि मैं तो सामान्य ग्रस्त हूँ, अब वो कोई साधु के वो हम नहीं, मैं साधु नहीं हूँ, मतलब तो साधु के नियमों को पालने के लिए भी बाध्य नहीं हूँ,
मेरे में होंगे ही नहीं, मेरे से पलेंगे ही नहीं, फिर भी उन्हें धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? आज तो तुम धोती कुर्ता का टोपी का प्रश्न करते हो, कल ये भी कहोगे सूट पैंट क्यों नहीं पहना? क्योंकि फिर तो जब वो पहने गृहस्थ के तो सभी लिबाज हैं, सभी एक से ही है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि तुम सूट पैंट पहनते हो तो तुम ज्यादा शौकीन हो, और हम धोती कुर्ता पहनते हैं तो हम कम शौकीन हैं, ऐसा मत समझना। हम भी ये टोपी एड़ी टेढ़ी हो ना तो हमको पसंद नहीं, हम भी उसे संभालते हैं, हम भी उसे देखते हैं, और हम आप समझेंगे ना, हम भी नीट एंड क्लीन पहनना चाहते हैं, हमें भी शौक है, ऐसा नहीं है। एक दफा युगल जी प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा था युगल जी ऐसा हम लोग भी कम शौकीन नहीं है। आप क्या समझते हैं अपने को, आप कम शौकीन नहीं, हमसे ज्यादा शौकीन हैं। हैं क्या बोल रहे हो? मैंने कहा देखो तुम जो ऐसी जब पहनते हो ना, वो एक कमीज पहनते थे जैसी भी, तुम वैसी नहीं पहन के मेरे जैसी पहनो, नहीं पहन सकते, क्योंकि तुमने वो अपनी ड्रेस बना ली है, अब तुमको ये पहनने में शर्म लगती है, तुम टोपी नहीं लगा सकते क्योंकि तुमने बना लिया कि मुझे बिना टोपी के रहना है। और मैंने एक बात ऐसी की थी कि तुमको भी अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें तो लगी ही नहीं थी। मैंने कहा देखो तुम ये बीच से मांग निकालते हो, मानो कोई मांग निकालते थे तो ऐसी बीच से निकालते, जैसी महिलाएं निकालती हैं। मैंने कहा था आप यहां से क्यों नहीं निकालते, कल से यहां से निकाल के लाया करिए। सब शौकीन हैं क्योंकि हम गृहस्थ हैं ना, हम समझते हैं हम 84 वर्ष के हैं तो हमें धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। क्यों अब घर पे पजामा पहन लेते हैं, लेकिन पर्यटन में तो धोती कुर्ता ही पहन के आते हैं ना, सज धज के आते हैं, टोपी मोपी लगा के अब टू डेट बन के आते हैं ना, चश्मा वश्मा लगा के। मैं ये कह रहा हूं कि ये होता है, कौन कैसा है, ऐसा नहीं है कि धोती कुर्ता ये है ये शौक नहीं है और सूट पैंट शौक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे कहाँ की बात है, अमेरिका की बात है, कि मैं तो ऐसा ही रहता हूँ, टोपी तो वहाँ नहीं लगाता हूँ लेकिन ऐसा ही रहता हूँ, और हमारे साथ के पंडित जाते हैं तो वो सब ड्रेसों में रहते हैं, कुर्ता पजामा भी पहनते हैं, सूट पैंट भी पहन लेते हैं, सब भी कर लेते हैं। तो फोटो सेशन हुआ, मैं एक बात समझाने के लिए आया, तो सब आए तो एक दो पंडित कैसे कुर्ता धोती उसमें टू डेट दुपट्टा डाल के कोई ऐसा लग गया है, आए नाम नहीं बताऊंगा तो वो दूसरे लोग कहने लगे क्या तैयार हो गया। अरे भाई बोले तुम सब एक से है ना, सब एक से ही दिखते, पता नहीं चलता कौन प्रवचनकार है और कौन श्रोता है इसमें, नादा तो अलग दिखते ही हैं और बीच में बैठते हैं तो अलग दिखेंगे ही, लेकिन हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं बैठे रहते हैं तो दिखता नहीं है, हमारे देख के हम दिखेंगे तो कि हम भी प्रवचनकार हैं। ठीक है ना, मैं कहता हूं आज की क्या ड्रेस है, कलेक्टर भी वही पहने और सफाई कर्मचारी भी वही पहने, और वो आजकल ऐसे कपड़े आने लग गए हैं कि दोनों जने बाजार से खरीद के लाते हैं एक से ही होते हैं, पता ही नहीं चलता है कलेक्टर साहब हैं गए हैं। तो एक कलेक्टर को थोड़ी सी ऐसा हमसा धोती कुर्ता कुछ नक्की ऐसा अलग तैयार तो करो कुछ अलग तो दिखे ना, वो ऑफिसर है तो दिखना चाहिए ना, क्यों सभी एक से देखें ऐसा क्यों, ड्यूटी पे तो कम से कम उसकी पहचान होना चाहिए ना। अभी ये बबलू है ना ऐसा आएगा तो नहीं ये कौन ये छोकरा कौन है ये कौन है, और फिर एक कुर्ता मुर्ता पहन के आएगा एकदम टू डेट होके, यदि टोपी लगा के आ जाए तो फिर देखो लगाएगा
तो भी तो हमारे साथ ही जाने वाली है, चिंता मत करो। तुम कभी नाटक माटक करोगे ना तब काम आएंगे जो बाद में हमारी टोपियाँ। यानी गृहस्थोचित जो हम जो गृहस्थी में हैं उसके योग्य उनको शौक से रहना चाहिए। ये कह रहा हूँ मैं, आप घबराना नहीं। कलेक्टर साहब ऐसे चार जैसे कपड़े पहन के, एक चड्डी पहन करके, बनियान पहन करके कलेक्टर हाउस में पहुँच जाए तो चलेगा है? उन्हें बंद गले का कोट ऐसा, उनकी भी कुछ है ना कुछ नियम, ऐसा उनको पहन के आना चाहिए है? तो स्वामी जी थे, साधु थे पहले, अब्बे यहाँ दिगंबर हो गए, तो अब्बे उन्हें तुम क्या कहते, सूट पैंट पहन लेते, वे धोती कुर्ता पहन लेते, वो चद्र में ही रहेंगे, चद्र में ही रहे। तो लोग कहते साधु का वेश उन्होंने छोड़ा नहीं। अरे ये साधु का वेश है ही नहीं, हमारा तो लिंग पावड़ में लिखा है कि एक नग्न दिगंबर वेश, एक उत्कृष्ट आपकों का अलग सुलग का वेश और एक अरिका का वेश, तो तीन वेश हैं, तीन हैं, चौथा वेश है ही नहीं। तो चौथे में किसी में भी रहें क्या फर्क पड़ता है, पूजा करते वक्त हम भी तो वैसे ही हो जाते हैं, वैसे दुपट्टा हम डाल लेते हैं, वैसे ड्रेस पहन लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, कोई वो ड्रेस है ही नहीं साधु की। लेकिन हम उनसे अपेक्षा करें कि भाई हम जैसे ऐसे कपड़े पहन लें, ये कोई बात नहीं है। हमने उनसे कभी नहीं कहा कि आप ये पहन लो, उनने हमसे नहीं कभी कहा कि तुम छोड़ के चदरा ओढ़ दो, क्या ख्याल में है ना। तो वो ये कहते हैं कि वो साधुओं के लिए, नव सिखिया साधु हैं उनके लिए आश्वासन के शब्द हैं। ग्रंथारंभ में आचार्य देव ने पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करके मोह और क्षोभ से रहित सामभाव धारण करने की प्रतिज्ञा की थी। कब? जब प्रवचन सार शुरू हुआ था तब, और कहा था कि यह साम्य भाव ही चारित्र है। आया था कहाँ, कहा था नमो जोशो समोति निर्दिठो है, मोह खोय विहुणो परिणामो अपनो समो। उक्त चारित्र को धारण करने के लिए जिस तत्व ज्ञान को जानना अति आवश्यक है, उक्त तत्व ज्ञान की चर्चा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और गे तत्व प्रज्ञापन अधिकारों में करने के उपरांत, अब वो ये कह रहे कि तुम दीक्षा धारण पढ़ बज्जु सामान्यम, तो कब कह रहे, 200 गाथाएं लिखने के बाद। माने इतना तो कम से कम तुम समझो पढ़ो, ऐसा नहीं कि एकदम आकर के बैठे हो चल देती। प्रथमान योग में ऐसा आता है कि राजा साहब लड़ाई लड़ने गए थे, हाथी पर बैठे लड़ रहे थे और वहीं उन्हें बैराग हो गया। क्यों? तो हाथी पे से उतर के सीधे गुरु महाराज के पास गए, वो दीक्षा ले ली, और गुरु महाराज नहीं हुए तो अपने जिनेन्द्र भगवान के सामने ले ली, नहीं कोई हुआ तो अपने साक्षी करके खुद दीक्षा ले ली। आता ना, तो क्या उनने कहा पढ़ा था, उन्हें से किसी ने कहा कहा तुम 200 गाथाएं पढ़ के आओ। तो ऐसा मान के ली चलो, कभी कुछ नहीं समझते थे, वे भी तो तुम जैसे ग्रस्त थे, सामान्य थे, वे भी सब स्वाध्याय करते होंगे, वे भी पढ़ते होंगे, तो वो सब बातें सामान, वो उन्हीं की ये बात है कि वे तत्काल जाके दीक्षित हो गए। जो बिल्कुल नहीं समझते होंगे वे तो उसी विधि से बराबर पढ़ करके ही हुए होंगे, वे तो किसी साधु के पास ही जाएंगे, वे तो जानते ही नहीं साधु कैसे होते हैं, साधुओं का आचरण कैसा होता है, उन्हें कैसे रहना चाहिए, ख्याल में ना। ग्रंथारंभ में है ना ये प्रज्ञान ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और गेय तत्व प्रज्ञापन को जानकर पंच परमेश्वरी को नमस्कार पूर्वक हमने चारित्र धारण किया है, ऐसा कह रहे हमें चलना चाहिए। यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो उसी प्रकार क्या ज्ञान तत्व और गेय तत्व को समझकर वो पंच परमेश्वरी के स्मरण पूर्वक तुम भी चारित्र धारण करो। ये नहीं कहा कि तुम आ जाओ वैसे ही बस कदम, फिर बाद में हम देख लेंगे है? लेकिन हमें अभी पढ़ने का समय नहीं मिलता तो हम स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या दीक्षा ले लें तो पूरा समय मिलेगा,
तो फिर हम स्वाध्याय करेंगे। अब वो ये समझते ही नहीं है कि दीक्षा लेने के पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होना चाहिए। वे तो दीक्षा इसलिए लेना चाहते हैं कि पढ़ने को समय मिल जाए। गुरुदेव श्री ब्रह्मचर्य देते थे ना, जो जो पंच कल्याणक होते थे तो उनमें जो दीक्षा कल्याणक के दिन भगवान के माँ बाप को जो देते थे, तो साथ में और कोई भी लेना चाहते थे तो वो उनको भी देते थे। तो कोई भी आगे ऐसे बीच में खड़ा हो जाए और ये कहे कि हमें दीक्षा दे दो, तो वे ऐसा नहीं देते। पहले उनसे संपर्क करो, वे आपकी योग्यता समझेंगे, आपको कितना स्वाध्याय है, आपकी कैसी परिणति है, कैसी आपकी स्थितियाँ है, फिर समझेंगे और फिर यहाँ से तय करेंगे। तो वहाँ तुम खड़े होगे तो तुम्हें भी ब्रह्मचारी बिल देते थे। वो देने के पहले भी इतना पक्का करते थे। और ये सोनगढ़ की सच्ची घटना है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं सुनाऊंगा, दूसरी है कि वो प्रतिष्ठाचार्य कहता है ना कि अभी भगवान के माँ बाप दीक्षा लेंगे, ब्रह्मचारी व्रत लेंगे, और को भी जो लेना चाहे तो वो भी खड़ा हो जाए। तो एक प्रतिष्ठाचार्य बहुत पुराने पंडित थे, वे खड़े हो गए। अब वो तो पहले से तय नहीं हुआ था, फिर गुरुदेव से जाके कहा नहीं था कि मैं ब्रह्मचारी व्रत लूंगा कुछ नहीं। अब वे प्रतिष्ठाचार्य बड़े पंडित थे, पूरे पंच कल्याण के हेड वो थे, समझ गए ना। अब गुरुदेव भी रह गए, सब लोग भौचक्के रह गए, उनसे कौन कहे कि इसका नियम ऐसा है, पहले आपको ऐसा करना चाहिए। तो सब सन्नाटा छा गया। तो अब गुरुदेव ने बहुत बहुत मतलब वो थे गंभीर, तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी है ना, ठीक है, मतलब पढ़े ही होंगे, स्वाध्याय किया ही होगा, इतना सब समझते ही होंगे। बहन को बुला, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। गुजरात में सब महिलाएं बहन होती हैं, समझ रहे ना आपके, माने पत्नी को भी बहन बोलते हैं, क्या पति भी अपनी पत्नी को बहन बोलता है, कहता बहन बहन को दे देना है। हम कहते ना तुमसे एक किताब है भाई को दे देना, ऐसा कहते क्योंकि बहन को दे देना। वहाँ हर आदमी बहन माने महिला, बहन माने कोई पत्नी नहीं, बहन नहीं, बहन माने कुछ नहीं कि बहन को बुलाओ। उनने कहा बहन को बुलाओ माने पत्नी को बुलाओ। अब ब्रह्मचारी व्रत लेना है तो पति पत्नी एक साथ ही लेते हैं ना। तो उन्होंने कहा पत्नी तो उनका स्वर्गवास हो गया है राष्ट्रीय, वे 75-80 वर्ष के थे पंडित जी, पहले ही अटपटा लग रहा था, फिर उन्होंने कहा स्वर्गवास हो गया है, तो गुरुदेव का जरा ऐसा हो गया। बोले काय का ब्रह्मचर्य क्या चल रहा है, क्या वही ना, अब क्या लेना क्या देना, आप समझ गए ना। मैंने तो 60-70-80 वर्ष के हो ही और पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, अब क्या ले रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। फिर भी थोड़े से चेहरा गंभीर करके दे दिया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो पूरी पात्रता पहले होनी चाहिए। तो इस टीका में भी ये लिखा है, है ना, कि सब कि हमने ये शरणानुयोग सूचक चूलिका में ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान तत्व ये तत्व विज्ञापन उनने पढ़ा है और इतना ज्ञान उनको है। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे कुछ क्लियर नहीं होता क्या पढ़ा है, क्या जानते हो तुम, ये क्लियर नहीं होता है क्या, क्योंकि समझ लो अगली श्रद्धा का नाम है अपने आत्मा की श्रद्धा करना। और तो पंडित जी ने कहा था अपने में अपनापन कर लेना, बस खत्म, सम्यक दर्शन हो गया। और ये ज्ञान यही मैं हूँ, देह में नहीं हूँ, ये सम्यक ज्ञान हो गया फटाफट क्या, ऐसा नहीं। तो वो कहते हैं ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को पूरी तरह पढ़कर
और अब चारित्र को धारण करने की बात करते हैं, तो क्या क्या पढ़कर कौन बताएगा? तेरे से ही पूछता हूं क्योंकि कोई और बता नहीं पाएगा, लेकिन तू नहीं बता पाएगा तो मेरी भीड़ जीत जाएगी, बताएगा ना? बता खड़े हो गए। और हो गया ज्ञान तत्व कहें तो सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, समझ में आया? शुद्धोपयोग का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, सच्चे सुख का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। हम चार महाधिकार पड़ेगा क्या? नहीं, शुद्धोपयोग महाधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, उसमें केवल ज्ञान का वर्णन है क्या? नहीं है, कितनी जरूरी है, उसके बिना क्रमबद्ध प्रजा समझ में नहीं आएगी, तो क्रमबद्ध प्रजा जानना जरूरी है। फिर सच्चा सुख क्या है ये जानना जरूरी है, और ये जगत का सुख सच्चा सुख नहीं है ये स्वरूपयोग अधिकार में जानना जरूरी है। इतना जाने फिर ये तत्व प्रज्ञापन ज्ञान का तत्वों का सामान्य स्वरूप जाने, फिर तत्वों का द्रव्यों का विशेष स्वरूप जाने, फिर दो ज्ञान और ज्ञेय का विभाग जाने, अपने पराई पहचान कर, इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए, मैं ये अपेक्षा करता था, समझ में आया ना? और ये कल परसों मैंने बताई थी, ऐसे नहीं कि वो जो आपने इन दोनों अधिकारों में है वो छह द्रव्य साधन तो पूरे जैन धर्म की बात हो गई। वो ये ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को जानने वाले उसमें जो मुद्दे की बातें हैं, इन मुद्दे की बातों को जाने बिना वो दीक्षा लेने का अधिकारी नहीं है, स्पष्ट हो गया। तो सम्मदर्शन सम्यक ज्ञान कहो, पता सर्वज्ञता का भरोसा कहो, पता सर्वज्ञता का भरोसा करो। देखो एक बात शायद मैंने कल आपसे कही थी कि नहीं कही, दो तीन दिन से कहने का विकल्प है। अपने जो पुराण साहित्य है ना कमल जी, तो पुराण साहित्य पर किन को लिखा, किन के पुराण बनाए, हमारा क्यों नहीं लिखा? जिनके पुराण हैं, पद्म पुराण, पांडव पुराण, तो चौबीस तीर्थंकर पुराण है ना, हमारा क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा भाई त्रेसठ साल लगा के पुरुषों का चरित्र का वर्णन करते हैं, आया क्या नहीं आया? एक मोटा आइडिया है ना कि किन का करना, तो सीधी सच्ची बात है जो मोक्षगामी जीव हैं उनका करना, उनका वर्णन करना। वर्तमान योग का उद्देश्य क्या है? जो भव्य हैं मोक्षगामी हैं उनका करना। अब उनमें बीच में दो चार अभव्य फंस जाएं और आ जाएं तो आ जाएं, जैसे कि मान लो उनके भाई हों। हमने पासनाथ की बात करी और पासनाथ का के साथ में कमठ की भी आ गई, तो आ गई, हम क्या करें? मतलब वो ऐसे लोगों की कहानी उसमें ऐसी आ गई आपत्कालीन जैसी, लेकिन असलियत में आचार्य का उद्देश्य तो तेसठ सलाका के महापुरुषों का जीवन चरित्र करना है, माने मोक्षगामी जीवों का करना है। यानी इसलिए वे जो कहानी कहेंगे शांति जी, वो कहानी कब खत्म होगी? छह डाला के बारे में मैं कहता हूँ, छह डाला की कहानी कहाँ से शुरू होती है? काल अनंत निगोद मझार भी तो एक इंद्री तनदार, कहाँ खत्म होती है? रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से, यानी निगोद से शुरू होती है और मोक्ष में खत्म होती है, ठीक है। अब जितने भी तीर्थंकरों के महापुरुषों का चक्रवर्तियों का जो भी वर्णन करेंगे वे मोक्ष तक ले जाएंगे। अब कुछ तो ऐसे हैं जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनकी कहानी कहेंगे, थोड़ी पीछे से कहेंगे तो नौ भव पकड़ लेंगे, जो भी पकड़ लेंगे जितने भी भव, समझ जाए ना, महत्वपूर्ण वो भूतकाल की हो जाएगी, तो वो तो हो गई तो इसलिए जान सकते हैं। अब जो जीव ऐसे हैं कि जो अरबों वर्ष बाद मोक्ष जाने वाले हैं,
तो उनकी कहानी भी जब तक खत्म नहीं होगी जब तक वे मोक्ष नहीं चले जाए। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी पता चलेगा तुम्हें। तो कह रहे थे ना कि सीता का जीव गया है 16वें स्वर्ग में, 22 सागर की आयु है। रावण के लक्ष्मण के जीव हैं 7वें नरक में, तो 7 सागर की आयु है। तो 22 सागर में 7वें तो बहुत फर्क है। फिर नरक से निकल आएंगे, अब यहाँ वहाँ घूमेंगे, बहुत टहला टहली करेंगे, तो सीता का जीव आएगा। फिर वो तीनों, एक होगा बाप, दो होंगे बेटे, तुमने सुने। और फिर ये तीनों दीक्षा ले लेंगे, वो तीनों सरवार सिद्धि जाएंगे, तो वहाँ 33 सागर तक लटके रहेंगे, 22 सागर तक। यहाँ कितना लंबा काल हो गया, मैंने इतने काल बाद वो तीर्थंकर होंगे और मोक्ष जाएंगे। सुन, ये कहानी है ना। तो यदि उन्हें कहानी सिर्फ राम की सुनानी है, लेकिन अब वे उनके सगे भाई, वे उनकी पत्नी, वे उनके प्रतिद्वंदी, तो उनकी कहानी कहे बिना जो अकेले राम की कहानी सुनाए कैसे। बोलो, आप लिख दो रामायण जिसमें ना लक्ष्मण हो, ना रावण हो, ना सीता हो। ख्याल में आए ना आपकी बात है? है? और अब जो जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे जब तक कहानी खत्म नहीं होगी, पद्म पुराण खत्म नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन भव्य जीवों की जिनकी अरबों वर्ष बाद जिन्हें मोक्ष जाना है, उनकी कहानी शुरू की तो वो तो अरबों वर्ष बाद खत्म होगी, इसलिए हर कहानी में भविष्य की घोषणा होगी। क्योंकि यहां से जो आगे की बताएंगे, धातकी खंड द्वीप के तीर्थंकर होंगे, धातकी के खंड क्यों हो जाए, जम्बू द्वीप के क्यों नहीं हो जाए, इतना ट्रांसफर तो करवा दो मिनिस्टर साहब से कह के। क्यों साहब, वे उनके गंधर्व हो जाएंगे, वे उनके फलाने हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इतना भविष्य की नक्की नहीं हो तो वे कहानी कैसे पूरी हो। यानी पूरा प्रथमान योग इस बात के लिए समर्पित है कि अनंत भविष्य की घोषणाएं करें और वो कभी झूठी नहीं हो। अब हमसे पूछते हो तुम कौन से शास्त्र में लिखी क्रमबद्ध पर्याय, तर्क समझ में आया कि नहीं आया? बात तो वही है, कोई नई नहीं है, लेकिन उसी को एक नए तरीके से कि भाई भविष्य की क्या, महावीर की सुना दी होगी, हर एक की थोड़ी सुनाई। अरे कैसे नहीं सुनाएंगे, जो इसकी भविष्य मोक्ष जाने हैं तो उनकी नहीं सुनाएंगे। अब महावीर की भील से सुनाना शुरू करी है? भील से मारीच होते ही होते सैकड़ों हम निकल गए, लाखों वर्ष निकल गए, फिर वहां से चली। अब बीच में एक आध दो बड़ी बड़ी पर्याय थी, उनमें चक्रवर्ती की पर्याय थी, नारायण की पर्याय थी, मालूम उनको तो गिनते ही नहीं है। मारी से सीधे महावीर। मेरे कहने का मतलब कितनी भविष्य की घोषणाएं होंगी ये तो सोचो आप। कैसे अंधे लोग हैं कि जिनको वे पूछते हैं कि कहाँ लिखी, सब कुछ नक्की है, भूत भविष्य है, ये कहाँ लिखा, क्यों? तुम लोग 5 साल रहो और तुम्हारे अंदर ये बात घुस जाए मजबूती से, पर हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं कि हमारा मत चलाना है, ऐसा नहीं, तुम्हें सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये जो बोला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और गे तत्व प्रज्ञापन का ज्ञान उन्हें हो गया। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का ज्ञान हो गया माने, बोलो खड़े हो जल्दी, होशियार तुम दिख रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ, पूछो बोलो क्या। और हाँ उसका, हाँ और हाँ और हाँ 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 हो गया खत्म। क्या छोड़ दिया इसने, बोलो जल्दी खड़े हो, फटा फटा क्या छोड़ा इसने, क्रमबद्ध पर्याय छोड़ी। अरे शुद्धो भैया सबसे पहला अधिकार है कि नहीं है, जिससे सारा काम होना है। पहला अधिकार तो शुद्धोपयोग अधिकार है कि नहीं है, समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण था ना, महाअधिकार अधिकार है ये उसमें। तो इतना भूत इतना भविष्य, ये सब ये इसमें इसमें सब आ गया, सम्यक दर्शन हो जाए इससे, के पूरा भक्तभोगी कहानियां सुनने से कि हाँ, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है। इस समय सार में तो बाद में पढ़ोगे,
उन कहानियों के माध्यम से वो आत्मा अनादि अनंत सिद्ध हो गया ना, अनादि का है और अनंत काल तक है, है? बहुत समय पैदानी बात है, शायद मैं जयपुर में आ गया था कि नहीं आया था पता नहीं मुझे, उसके पहले की बात हो सकती है। मैं सोलापुर गया था तो सोलापुर में एक आश्रम था और उनके वे सुमति बहन थी जो पद्मश्री गवर्नमेंट ने उन्हें दी थी और बहुत अच्छी महिलाएं थी और त्यागी तपस्वी थी, ब्रह्मचारिणी थी, वो आश्रम चलाती थी लड़कियों का। उस आश्रम में मैं गया, उसकी प्रिंसिपल विद्युत लता बहन थी एक, तो सब मैं गया वहाँ तो मेरा प्रवचन रखा, सारे लड़के ऐसे तुम बैठे ऐसे सारी लड़कियाँ बैठी थी। फिर वो लास्ट में बोली कि साहब इन लड़कियों से आप कुछ पूछो। सुमति बहन बोली, वो तो मतलब मेरी दादी के बराबर उम्र की थी, समझे ना, गजा बहन सुमति बहन दक्षिण भारत की रत्न है। तो वो उनने कहा इनसे कुछ पूछो। मैं क्या पूछना, जब आप जैसे लोग पढ़ाने वाले बहन करने वाले हैं, विद्युलता बहन जैसे पढ़ाने वाली हैं, तो मुझे क्या पूछना, सब अच्छे ही होंगे। नहीं नहीं आप कुछ पूछो। अच्छा, तो मैंने कहा बेटा क्या पढ़ते हो, तो उन्होंने बताया कि फलानी क्लास फलानी, लेकिन वो तो ठीक है धर्म में क्या पढ़ती हूँ, तो छह डाला, छह डाला पढ़ती हूँ। हाँ, छह डाला में किसकी कहानी है, तो सब सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोला नहीं। मैंने कहा किसकी कहानी है, तो कोई कुछ बोला नहीं, तो अध्यापक अध्यापिकाएं भी एक दूसरे को देखने लग गए। एक लड़की ने हिम्मत करी और खड़ी हो गई, साहब मैं जवाब दूंगी। मैंने कहा बोल बेटी क्या बात है, कि छह डाला आपने पढ़ी है। उसने पूछा कि छह डाला आपने पढ़ी है। मैंने क्यों, कि तुम कह रहे किसकी कहानी है, छह डाला कोई कहानियों की किताब है, तुम्हें इतना ही पता नहीं है, वो तो अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें कोई कहानी थोड़ी होती है। गजब हो गया, इसके अपन को बहुत 30 मार्क ना समझता है, भरी सभा में एक लड़की ने इज्जत उतार दी। मैंने कहा बेटा मैंने पढ़ी थी शुरू में थोड़ी, तो उसमें लिखा था तास ब्रह्मन की है बहु कथा पे कछु कहूं कही मुनि यथा, तो उसमें उस जीव के घूमने की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो मैं थोड़ी सी कहूँगा, क्या है तो वो बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन मैं पूरी नहीं सुनाऊँगा। पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने गणेश देव ने कही है ऐसी मैं थोड़ी तुम्हें सुनाऊँगा। तो मैंने कहा प्रतिज्ञा की है उनने कि मैं कहानी सुनाऊँगा, तो मैंने आगे नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कहानी कही होगी, अब मुझे क्या पता कि वे मुझे धोखा दे जाएंगे। अरे मैंने कहा बेटा कहानी है, किसकी है, हमारी है, तुम्हारी है, सबकी है ना। ये जीव अनादि काल से निगोद से निकला, एक इंद्री की पर्याय से फिर बाहर आया, दो इंद्री हुआ, तीन लठ पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरो सही बहु पीर, कहूँ पंच इंद्री पशु हुआ, मन में निपट अज्ञानी थया, और फिर सैनी हुआ, फिर वहाँ से निकल के ये सब त्रंज गति से निकल करके फिर मनुष्य हुआ, देव हुआ, मनुष्य हुआ और नरक गया। क्यों, बहुत चारों गतियों में घूमते घूमते क्यों घूमा, तो फिर ये बताया कि वैसे मिथ्या दृढ़ ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण है, फिर उससे निकलने का कैसे निकला, तो ऐसे वो है ना पद बनते भिन्न आप में रुचि साम, समय इससे चला, फिर बाद में अनुभव धारण करे आ जाएंगे नहीं, फिर बारह भावनाएं भाई,
फिर मुनि भी धारण किया, आया क्या नहीं भाई ने सब है। फिर आत्मा का ध्यान किया, और आत्मा का ध्यान क्या यूं चिंत निज में फिर भरे जिन अकथ जो आनंद लहो सुख इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद के नाही कहो। और अंत में मोक्ष ले गए तो रही है अनंतानंत काल, हो ना, है ना पूरी कहानी किसकी है, हमारी तुम्हारी सबकी है ना। अब कोई कोई बीच में चल रहे, कोई की पूरी हो गई, जो मोक्ष में पहुंच गया उनकी कहानी पूरी हो गई। अब जो जिनकी बीच में चल रही वो बीच वालों की सुनाएंगे तो आगे भविष्य की भी सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे, यदि मालूम होगा तो सुनाएंगे, पक्की तो है ही, मालूम है और नहीं मालूम है ये अलग बात है। आज तक वो अंत तक वे मरी नहीं जब तक याद करती नहीं मेरी एक छेड़ा लगी पढ़ाई के, हाँ यार ये बात तो सच्ची है, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था। तो ऐसे ही ये सब बात, अभी मेरे समय बहुत तेजी से पूरा हो रहा है, इस पेज को कम से कम मैं पूरा करता हूँ, कल से तो शिविर है ना, है ना। मैंने कह दिया था आप लोगों को कि अभी जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा पढ़ाऊँगा फिर शिविर से फिर शुरू से शुरू करूँगा, घबराना नहीं, द्वारा भी थोड़ा सुनने को मिल जाए तो घबराना नहीं, रिपीट होगा लेकिन इतना लंबा नहीं चलाऊंगा, जैसे चार पाँच दिन में चलाया उसे एक दो दिन में ही निपटा दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ख्याल में आई ना। देखो आचार्य देव की वाणी में कितना आत्मविश्वास और करुणा भाव प्रस्फुट हो रहा है, वे मात्र इस बात को कहते ही नहीं हैं अपितु अगली गाथाओं में उनकी टीका में मुनि धर्म धारण करने की विधि बताते हैं। उनने कहा था मैं खड़े हूँ तो कहते आगे में बताएं उनने कि ऐसा करना ऐसा करना, माँ से ये ऐसे बोलना, पत्नी से ये बोलना, पूरी ट्रेनिंग दे रहे, वो बच्चों से क्या कहना, वो सब आगे आने वाला है कि नहीं। विगत गाथा में कहा गया है कि सामान्य को धारण करो, और अब इन गाथाओं में बता रहे हैं कि दीक्षा धारण करने के पूर्व दीक्षार्थी को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने संबंधियों से छुटकारा पाकर पंचाचार धारण करने के लिए आचार्य देव के पास जाकर अत्यंत विनयपूर्वक दीक्षा लेने की प्रार्थना करना चाहिए। इन गाथाओं में छुटकारा पाने और दीक्षा ग्रहण करने की विधि का निरूपण है। आने घर वालों से कैसे छुटकारा पाना, क्यों छुटकारा पाना और दीक्षा कैसे लेना, उसकी चर्चा आचार्य आरंभ।